पुनीत रामकृष्ण पोद्दार। पोद्दारेश्वर राम मंदिर की ओर से गत 90 वर्षों से अस्थमा की इस दवा का निशुल्क वितरण श्री पोद्दारेश्वर राम मंदिर के प्रांगण में शरद पूर्णिमा खोजागिरी के दिन रात्रि में 7-8 बजे के आसपास हम शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। और कार्यक्रम शुरू करने के पश्चात नागपुर से करीब 250 से 300 किलोमीटर की दूरी से रोगी इस दवाई का लाभ प्राप्त करने मंदिर पधारते हैं। गत 90 वर्षों से यह परंपरा अविरल रूप से पोद्दारेश्वर राम मंदिर की ओर से निःशुल्क रोगियों को प्रदान की जाती है और बहुत अच्छा लाभ रोगियों को इस दवाई से हो रहा है। यह दवा पोद्दारेश्वर राम मंदिर द्वारा पिछले 3 महीनों से इसकी तैयारी की जा रही है और मंदिर प्रांगण में ही दवा तैयार की जाती है। उसके पश्चात आज दोपहर को 1 बजे से इसको जो साथ में दवाई के साथ में जो हम लोग खीर देते हैं, वह खीर भी दोपहर को 1 बजे बना करके शाम को 7 बजे तक ये तैयार होती है। रात्रि 8 बजे इस दवा का वितरण शुरू किया जाता है। खीर के ऊपर दवा दी जाती है, उसके बाद ये दवाई खीर के अंदर मिक्स करके इसको मिला करके केले के पत्ते पर चंद्रमा की रोशनी में रात भर रखने के पश्चात रोगी द्वारा रात्र भर जागरण करने के पश्चात सुबह 4 बजे इसका सेवन किया जाता है। 4 बजे सेवन करने के बाद आधे घंटे तक जो रोगी होता है उसको सोने की मनाही होती है, पानी भी नहीं पीना चाहिए आधे घंटा उसने। 4:30 बजे के पश्चात वो विश्राम कर सकता है। बहुत दूर दूर से रोगी इस दवाई को लेने के लिए नागपुर पधार रहे हैं और इसका लाभ लोगों को अच्छी बड़े पैमाने पर मिल रहा है। मंदिर प्रांगण में करीब 15,000 के करीब करीब बाहर गाँव के रोगी आते हैं जो यहाँ मंदिर प्रांगण में रुक करके दवाई लेते हैं और करीब 35 से 40 हज़ार की संख्या में लोग 7:30 बजे से लेकर के अभी तक हमारी दवाई की लाइन चालू है जो घर ले जाते हैं। नागपुर के जो रोगी हैं जो यहाँ नहीं रुकते हैं और अपने घरों में दवाई लेते हैं, आज जिनके पेशेंट्स यहाँ नहीं आए हैं उनके परिवार के रिश्तेदार लोग इस दवाई को यहाँ से एकत्र करके ले जाते हैं और अपने घरों में खिलाते हैं। तकरीबन 50 से 55 हज़ार के आसपास की संख्या अंदाजन दवाई लेने के लिए पोद्दारेश्वर राम मंदिर हर वर्ष पधार रही है। पोद्दारेश्वर राम मंदिर इसको एक अपने सामाजिक दायित्व समझ करके और समाज के लिए ये कार्य निःशुल्क करते आ रहा है। आने वाले वर्षों में भी हम इस कार्यक्रम को इसी प्रकार से निर्बाध रूप से और इसी गरिमा के साथ में इस कार्यक्रम को हम आगे भी लेके चलते रहेंगे। ये दवा विशेष तौर से अस्थमा के लिए बनाई जाती है। अस्थमा जिसको हम दमा भी कहते हैं, शुरुआती दौर में ये खोखली खांसी के रूप में शुरू होती है जिसे हम सूखी खांसी भी कहते हैं और सूखी खांसी धीरे 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 ये अस्थमा में कन्वर्ट होती है। तो ऐसे सारे रोगी जो सूखी खांसी से भी पीड़ित हैं वो भी इस दवा को केवल साल में 1 बार शरद पूर्णिमा के दिन खोजागिरी के दिन ही केवल ये दवाई का महत्व है। ये कहा जाता है कि आज चंद्रमा की रोशनी से अमृत बरसता है तो उस अमृत का असर इस दवाई में होता है, ऐसी मान्यता है। और इसलिए इस दवाई का महत्व केवल साल में 1 दिन 1 डोज केवल आज के दिन का होता है और ये दवा आज पोद्दारेश्वर राम मंदिर में वितरित की जा रही है निःशुल्क। ये दवा जो है 3 महीने पहले से हम लोग इसकी जो जड़ी बूटियां हैं इसको पहाड़ झाड़ों से तोड़ करके सुखाते हैं, मंदिर परिसर में ही इसकी पिसाई होती है। उसके पश्चात जो खीर बनती है खीर गाय के दूध की, शुद्ध गाय के दूध की बनती है। जो चावल होता है वो बगैर धुला हुआ अनपॉलिश चावल होता है और यह खीर कच्चे घड़े के अंदर में गोबरी की अग्नि, इसमें कोयला या गैस का उपयोग नहीं किया जाता, गोबरी की अग्नि के ऊपर में कच्चे घड़े के अंदर में गाय के दूध के अंदर में चावल को डायरेक्ट पकाया जाता है और जो चम्मच होती है लकड़ी की उसमें कोई भी प्रकार का धातु का उपयोग नहीं होता है और ये लकड़ी की चम्मच से इसको गोल घुमा करके और ये खीर तैयार की जाती है। और बगैर शक्कर की खीर होती है जो केले के पत्ते में लोगों को दी जाती है, इसमें किसी प्रकार का मेटल का या कोई धातु का स्पर्श नहीं होना चाहिए, इसलिए केले के पत्ते पर ही हम दवाई देते हैं और वो दवाई रात्रि भर पेशेंट लोग चंद्रमा की रोशनी के पश्चात सुबह 4 बजे इसका जागरण करके सेवन करते हैं। ये आप जो काम कर रहे हो यानी जो सेवा कर रहे हो तो ये सेवा इनको दे रहे हैं, इन लोग कहाँ से आए हैं? अभी मंदिर प्रांगण में जो लोग हैं इसके अंदर कुछ कुछ लोग तो अकोला करीब 200-250 किलोमीटर तक की संख्या लोग ज़्यादा होती है
कुछ पेशेंट्स हमको आज जो मिले हैं वो कहें कि बंबई से और दिल्ली साइड से भी कुछ आया जिनको जानकारी प्राप्त हुई है, या उनके जो रिश्तेदार नागपुर के आसपास है उनसे जानकारी प्राप्त हुई है, तो बंबई के भी और कलकत्ता साइड के भी कुछ हमारे को रोगी यहाँ मिले हैं आज। लेकिन 200-250 किलोमीटर की संख्या के रोगियों की संख्या बहुत याद में यहाँ होती है। ये जो कार्य कर रहे हैं आप सेवा का, हाँ, कितने सालों से चल रहा है? ये 90वां वर्ष है इसका। मंदिर को बने हुए मंदिर 1923 में बना था, करीब 1926-27 से ये परंपरा मंदिर प्रांगण में चालू है। मेरे दादाजी से हमलोचन जी पोद्दार के दौर में ये परंपरा शुरू हुई, उसके बाद में मेरे पिताजी ने इस परंपरा का निर्वाह किया। आज हमारी मंदिर परिवार की 700-800 बच्चों की सेवकों की टीम है, वो पूरी टीम इस कार्यक्रम की संचालन और पूरी व्यवस्था करती है। छोटे 10-11 साल से लेकर के 70 साल के बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब इसके अंदर हमारे इन्वॉल्व हैं। वो पूरे इन एक एक दुर्गी तक पहुँच करके उनको बराबर जागरण कराना, उनको दवाई की विधि समझाना, ये पूरा कार्य हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता मंदिर के करते हैं। जागरण कराते रात को सोने बच्चे छोटे छोटे और जितने हमारे कार्यकर्ता हैं सेवाधारी, ये सारे जितने रोगी हैं इनको जागरण का बहुत महत्व होता है, इसलिए इसमें हर सेवा दल का जो हमारा कार्यकर्ता है, रोगियों को किसी को नींद भी आती है तो उनको जाके नियम से उनको बराबर उठा करके घुमा के फिरा करके उनकी नींद, ताकि नींद ना आवे उनको, तो ये पूरा प्रयास हमारे मंदिर के सेवा दल के बच्चे ये सब कार्य में करते हैं। हाँ, भजन का कार्यक्रम तो हमारे जो मंदिर का महिला मंडल और जो पुरुषों का भजन मंडल है, ये 8:30 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक होता है। रात को 12 बजे भगवान की आरती होती है और आरती के पश्चात हमारे भजन का जो कार्यक्रम है ये विराम लेता है। ठाकुर जी का पड़ जो है करीब 12:30 बजे दिन में बंद हो जाते हैं। उसके बाद में रात्रि भर हमारे सेवा दल के कार्यकर्ता रोगियों को जगाने का कार्य करते हैं। Thank you.